चुना सपना हाथों ने बुना सपना नैनों ने चुने हाथों ने बुने नैनों ने चुने हाथों ने बुने मेहनत काले सूत सुनहरा कहाँ बिछाए समझ न पाए नैनों ने चुने हाथों ने बुने मेहनत काले सूत सुनहरा कहाँ बिछाए समझ न पाए खोजे हम सपनों की धरा 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 लॉयस क्वेस्ट स्किल फॉर एडोलेसेंस यानी कि किशोरों के लिए सकारात्मक कलाएं। दोस्तों इससे पहले एपिसोडों में हमने किशोरों की मानसिकता उनकी समस्याओं और उनकी चुनौतियों के बारे में जाना। अब बारी है माता पिता की यानी सिक्के के दूसरे पहलू की। आज हम माता पिता से चर्चा करेंगे कि उन्हें किशोरों का पालन करते हुए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे साथ है स्किल फॉर एडोलेसेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत निधि नागरेज जी। मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि ये इस विषय में आपसे कुछ बातचीत करें। निधि जी धन्यवाद पायल। आप सब उपस्थित जन यहाँ किशोरावस्था के बालकों के पालक और माता पिता हैं। आपने अपने बच्चों को छुपन से बड़े होते हुए देखा है। हर मोड़ पर हर मुकाम पर हर कदम पर एक नव शिशु तो अपने माता पिता पर पूरी तरीके से अवलंबित होता है, लेकिन जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक विकास उसमें आते हैं परिवर्तन आते हैं वो स्वावलंबी होता जाता है। इसी सिलसिले में कि हम और आप मिलजुल कर यहाँ ये बातचीत कर सकें हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आइए देखते हैं कि आप अपने अनुभव हमें किस रूप में बताना चाह रहे हैं। मेरा बेटा है ना वो जीन्स पैंट पहनता है वो इतना लो पहनता है कि उसकी पीछे की हिप लाइन नजर आती है। जब उनको टोकते हैं ना तो उनका एक ही जवाब होता है आपको कुछ पता नहीं है आजकल ये ट्रेंड है। जैसे मेरे बेटे को जीन्स पहनना पसंद है पर वो हमेशा यहाँ से जो थोड़ा सा कट लगा हुआ है वैसे ही जीन्स वो पहनेगा और उसको वो सिलेगा भी अपने अपने स्टाइल से okay. उनका वो स्टाइल है इसलिए हम लोगों को उनके समझ के चलना पड़ता okay. है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये एक चुनौती से बन जाता है कि इस विषय में हम उनके साथ किस तरह और क्या बात करें। आइए देखें एक और चीज़ भी, ये जो बदलाव आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से, क्या शारीरिक परिवर्तन भी कुछ महसूस करते हैं आप? फ्रेंड्स हैं तो ऐसे हैं लंबे हैं तो उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी और वो क्यों नहीं अच्छा दिख रहा, उन लोगों में परिवर्तन ऐसे आते हैं जो उनको लगता है उनमें कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। जी हाँ आप? वो लोग अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि किस तरह वो पहनता है बस हमको वैसा ही पहनना है, पेरेंट्स की कुछ भी नहीं सुनते हैं, फ्रेंड्स जैसा करते हैं वही सही है। इस एज में उनके ऊपर ये भावना थोड़ी हावी हो जाती है और धीरे धीरे पेरेंट्स की बात को थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर सा करने लग जाते हैं। और जो बदलाव उनमें आ रहे हैं, आपने कहा कि जब उनमें बदलाव आ रहे हैं तो वो भी वो थोड़ा सा अटपटा महसूस करते हैं, बिल्कुल सही है। जब शारीरिक बदलाव आएंगे ऐसे समय में जब हार्मोनल चेंज हो रहे हैं जब वो बढ़ रहा है तो ये स्वाभाविक ही है कि वो लंबे होंगे, दाढ़ी मूछ निकलेंगी, आवाज़ चेंज होगी, शरीर में परिवर्तन आएंगे, उभार उतार चढ़ाव आएंगे और ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जब होता है तो इसमें 3-4 वर्ष का समय लगता है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबके बच्चों में ये एक ही समय में होता हो। तो इसीलिए उनको अटपटा लगता है क्योंकि किसी में जल्दी लंबे हो गए और कोई थोड़ी देर से धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं। हम इस विषय में आगे ज़रूर बात करेंगे। यहाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये चुनौती बन गया जैसा इन्होंने बताया कि अब हम क्या जवाब दें जो बड़ा हो गया वो कहता है कि अरे मैं इतना लंबा क्यों हो गया, और जो लंबा नहीं हुआ अरे मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, मैं कब लंबा होऊंगा। एज इफ ना लंबे होना और लंबे होना दोनों ही गुनाह है, ऐसा है तो नहीं। लेकिन ये भावना लगभग चुनौती के रूप में माता पिता के सामने भी है
और हमारे बच्चों के सामने भी है। आपने अभी मुझे बताया था कि उनके जो विचार हैं दोस्तों की तरफ, उनकी धारणा ऐसी है कि वो उनसे बहुत सहमत हैं। आइए इस विषय पे भी एक और नज़र डालें और देखें बाकी बैठे हुए उपस्थित जनों में किसी के विचार क्या, इनसे कुछ हटकर हैं इस मामले में, कि आपकी यह बात उन्हें कैसे बुरी लगती है। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि बच्चे जब अपने दोस्तों से बात करते हैं या अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या पर्सनली बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स में ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, हम लोग के पेरेंट्स की तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। पर अगर हम उनकी बात ध्यान से सुने तो वो हमें विश्वास रखते हैं। वो बोलते हैं ऐसा, मेरी मम्मी ऐसा कहती है, मेरे पापा ऐसा कहते हैं, तो हमें ऐसा ये विश्वास ये नहीं छोड़ना चाहिए कि बच्चे हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ हैं लेकिन हमारे ऊपर उनका हक है, वो हमें समझ रहे हैं कुछ साथ में। तो एक ये चुनौती भी सामने आती है कि ऐसा बच्चों पे विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए हमें अपना। सही कहा इन्होंने, कुछ और विचार इसी मामले में। इनसे सहमत हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो हमें मानते हैं, दिल में कहीं होगा लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों के प्रति ज़्यादा वफादार हैं। वो उनको लगता है जो उनके मित्र करते हैं, जैसे एक बार मेरी बेटी के मैंने मित्रों के बारे में सुना कि उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मैंने उनसे कहा बेटा इनसे ज़रा आप मेल जोल कम रखा करो, सोसाइटी में रहते हैं लोग आपकी भी बात करेंगे, मुझे पता है आप ऐसे नहीं हो, लेकिन उन्हें लगता है कि मम्मी आप पुराने ख्यालात की हो। दोस्त कैसे भी हो सकते हैं, उसे हमारी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे अपने दोस्तों से ज़्यादा वफादार हैं, वो अपने दोस्तों के बारे में माँ बाप से कुछ बुरा सुनना बिल्कुल नहीं पसंद करते। आपने देखा कि ये चुनौती इनके लिए है कि मित्रों की बात ज़्यादा सुनते हैं, जबकि उनसे पहले जिन्होंने विचार आपके साथ अपने प्रकट किए थे उन्होंने कहा कि चुनौती तो है लेकिन साथ साथ में कहीं खुशी भी होती है कि बातचीत के दौरान वो ये बात भी बोलते हैं कि नहीं मेरी मम्मी ने ये कहा था, मेरे पापा ने ये कहा था, या हमारे घर की ये चलन है। ये बिल्कुल सही है और रिसर्चेस ने भी यही बताया है कि बच्चा यदि आपके साथ बराबर कम्युनिकेशन में है और आपका और उसका तालमेल बना हुआ है तो ज़रूरी है कि जो भी निर्णय वो लेगा एक बार पलट के सोच लेगा कि मेरे घर की क्या रीत है, मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, उन्होंने मुझे क्या वैल्यूज़ दी हैं, और तभी वो आगे अपनी दिशा लेगा। बच्चों के ऊपर उनके साथियों का दबाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है क्योंकि वो उनके साथ मिलजुल रहे हैं, लेकिन यदि माता पिता का उनके साथ अच्छा व्यवहार है, आपस में कम्युनिकेशन क्लियर है, तो चुनौती और साथ ही साथ एक गर्व की बात, दोनों ही पहलू हमें इस उदाहरण में देखने को मिले हैं। जो एक के लिए चुनौती थी, दूसरे के लिए चुनौती के साथ साथ गर्व की भी बात है। तो ये हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे अपने बच्चों के साथ समय लगा रहे हैं और पीछे मुड़ के ज़रा सा सोचते हैं, देखते हैं, तो एहसास होता है कि चुनौतियों के साथ साथ गर्व भी हैं। ऐसा एहसास हम सबको होने लगता है जब हम आपस में बातचीत करते हैं, और हमारा आज आपसे बातचीत करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम जान सकें माता पिता का उसके ऊपर क्या नज़रिया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब दो बच्चे हैं, दोनों को आपने एक ही माहौल दिया है, एक ही माहौल में परवरिश हो रही है, एक बच्चा आप जो कह रहे हैं उस बात को मानता है, समझता है, करता है, और दूसरा बच्चा उसको हमेशा नेगेटिव लेता है, तो ऐसे समय में थोड़ी समस्या आ जाती है कि अब क्या किया जाए। एक बच्चा जिद्दी है और एक बच्चा एडजस्टेबल नेचर का है, तो ये समस्या जरूर लगता है। ये एक चुनौती हो जाती है कभी कभी हमारे लिए। ओके, और भी कोई यहाँ से कुछ कहना चाह रहे थे? बच्चे बहुत कुछ फ्रेंड्स से सीखते हैं जो हम लोग नहीं उनको सिखा सकते, पेरेंट्स नहीं बता सकते, तो किसी के अच्छी सोसाइटी के बच्चे होते हैं तो अच्छी बातें सीखते हैं, तो इसका मैं तो सोचती बहुत असर पड़ता है बच्चों की लाइफ पर और पूरे जीवन में इसका असर रहेगा उनका लॉन्ग लाइफ। तो हम लोग बच्चों की सोसाइटी पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अच्छा उनका फ्रेंड सर्कल रहे, हेल्दी एटमोसफेयर रहे, हेल्दी इन्वायरमेंट से बच्चे बहुत आगे तरक्की करते हैं। ये भी एक हमारे लिए कभी कभी चुनौती बन जाती है, साथ ही उस किशोर के लिए भी चुनौती ही होती है वहाँ, ये क्योंकि उसे भी मालूम नहीं है कि इस परिस्थिति का सामना उसे कैसे करना है। ये आकर्षण होना तो स्वाभाविक है क्योंकि वो बढ़ रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसकी सोचने की समझने की शक्ति है, वो आपकी बात भी सुन रहा है और अपने दिमाग से भी सोच रहा है। तो अगर ऐसे परिवर्तन आने के समय हम उनके साथ जुड़ जाएं और उनकी खूबियां और उनकी बुराइयां दोनों को साथ में ले लें तो चुनौतियां और गर्व दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाएगा।
इसके साथ साथ क्या आपकी सब बात वो वैसे ही सुनते हैं, आपके साथ हर जगह वो वैसे ही जाते हैं जैसे पहले जाते थे? कोई अपने अनुभव? आजकल इतने कोचिंग क्लासेस वगैरह आ गए, डांस क्लास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतने ज़्यादा आ गए कि बच्चों को खुद को टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने घर पे टाइम स्पेंड कर सके। तो आप में बैठे उपस्थित लोगों में से कौन कहना चाहेंगे पढ़ाई पे कितना ध्यान है उनका? जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे वैसे वो पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उन लोगों में लगता है कि हम अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, आज का मोबाइल फ़ोन, फ़ोन पे कितना समय, कैसे और कहाँ, क्या कोई शेयर करेगा? जैसे मेरे कलीग ने बताया कि वो घर पे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आजकल के बच्चे हमारे से ज़्यादा अवेयर हैं कि बाहर कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जितना समय बचा है उनके पास घर पर आकर वो हमारे साथ व्यतीत नहीं कर पाते, उनके फ्रेंड्स के फ़ोन आ जाएंगे, सो उनका जो बाकी का समय है मुझे लगता है वो मोबाइल में चला जाता है, सो हमें वो क्वालिटी टाइम हम उनके साथ व्यतीत नहीं कर सकते। ये चुनौती आपको फिर सामने बहुत बड़ी नज़र आ रही है, एक नज़रिए की तरफ और ध्यान दे लें, और वो है कि इस उम्र में क्या लगता है कि वो थोड़े मूडी हो जाते हैं, उनका मूड कैसा है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, अपने मूड के बारे में क्या बोलते हैं? इस उम्र में बच्चों के मूड का तो पता ही नहीं चलता, अभी खुशी से नाच रहे हैं एक मिनट बाद अपना कमरा बंद करके बैठे हैं, नॉक करते रहो, बुलाते रहो, ना तो खाना खाने को आएंगे ना कुछ, आ रहे 5 मिनट में, वो 5 मिनट कब एक घंटा हो जाता है पता नहीं चलता। दिस कैन बी मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस आजकल हम फेस करते हैं, वो हम स्कूल लाइफ में हो या घर पे हो, कभी कभी उनको पेरेंट्स का, मम्मी का डर लग जाता है, कभी पापा का डर लग जाता है, अगर पापा कुछ समझाने जाते तो गुस्से में आके कमरे में चले जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं आ पाते हैं, एंड अगर वो बताना चाहते हैं देन दे फील स्कैर्ड और अपने आप में रख के रह जाते हैं और दोस्तों को जाके बताते हैं, क्योंकि दोस्त उनकी उम्र के रहते हैं वो अपना आइडिया दे देते हैं उनको, एंड बच्चे इम्प्रेस होकर वो अडेप्ट कर लेते हैं। कई लोगों ने अपने विचार यहाँ दिए, इन विचारों को सुनने के बाद क्या आपको लगा कि आप सब में कुछ सिमिलैरिटी है? हम सब यहाँ बैठे माँ बाप हैं और हमारे वरिड हैं, चुनौतियों की बात तो की, आइए देखें क्या यहाँ हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं एडोलेसेंस की जिनसे गर्व होता है। आज के बच्चों का IQ पावर बहुत अच्छा है, और एक चीज़ और महसूस करते हैं जो हम एज ए पेरेंट कई बार गर्व महसूस करते हैं कि उनमें वो एक मैच्योरिटी देखी जाती है कि कई बार वो हमको कॉन्फिडेंस देने लगते हैं। मैंने अपने घर में देखा है, एक 14 साल की लड़की है, पहले वो बहुत चंचल थी, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती गई, वो मैच्योर होती गई और घर के कामों में उसने मम्मी के हाथ बटाने शुरू कर दिए, जैसे घर के कपड़ों को सहेज के रखना, पापा की चीज़ों को संभाल के रखना, और उतना ही टाइम अपनी पढ़ाई में भी लगाना, तो उसका जो माइंड है वो भी पावर बढ़ता गया और वो वैसे ही सोचने लगी जो कि एक यंग बच्चा सोचता है। इधर से कुछ और कहना चाह रहे थे उस समय? उसने इतनी छोटी उम्र में अपने डैडी का सिगरेट, जो चेन स्मोकर थे, उनकी सिगरेट छुड़ा दी है, इसके लिए तो मेरे को बहुत प्राउड है। तो मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे काफ़ी मतलब डिसीजन मेकिंग हैं, अपना डिसीजन खुद अपने आप लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। जब घर में मिसेज नहीं थी, मेरी 12 साल की बच्ची और एक 8 साल की बच्ची और मैं, हम तीनों ही घर में अकेले थे, मैट तो खाना बना के चली जाती थी, लेकिन वो बच्ची जो कभी किचन में जाती नहीं थी, किसी चीज़ को सर्व करना पसंद नहीं कर सकती थी, और उस दौरान वो हम जैसे ही खाने की टेबल बैठते थे सारा खाना गर्म होकर टेबल पर लगा होता था। संक्षिप्त शब्दों में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारी उम्र को याद करके जलन होती है कि हमें इतने अच्छे मौके, इतने अच्छे चांस, इतनी ग्रोइंग, इतनी सुविधा, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब क्यों नहीं मिला। तो रियल में तो मैं बोलूँगा कि हमें तो हमें बच्चों को देखकर हमें जलन होती है। आपने देखा कि हमने उनके गर्व और चुनौतियाँ दोनों की ही बात यहाँ की, हर किसी ने अपने अपने रूप से अपने विचार यहाँ प्रकट किए हैं, और उन विचारों को सुनने के बाद हमने एहसास किया कि हमारे पास दोनों ही खजाने हैं, सुख भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं, गर्व भी हैं। मेरी बेटी आकांक्षा है, उसने कुछ समय पहले पूछा कि पापा आप क्या बनना चाहते थे, तो मैं बोला डॉक्टर बनना चाहता था, बोले क्यों नहीं बन पाया, मैं बोला
मेरी वो तैयारी नहीं हो पाई या मैं उस तरह से नहीं हुआ। उस दिन से बोली कि ठीक है पापा, मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाती हूँ। और 2 साल करीब हो रहा है, तब से वो पढ़ने में इतना मन लगा रही है। अभी इस समय क्लास में मॉनिटर है वो, तो मुझे गर्व हो रहा है कि शायद डॉक्टर बन के दिखा दे वो। हमें गर्व है कि वो अपनी क्लास की मॉनिटर है, लेकिन कभी कभी हम अपने सपनों की दुनिया अपने बच्चों के ज़रिए से पूरा करना चाहते हैं। यदि ये दुनिया उनकी भी है तो बहुत अच्छा है, बहुत गर्व की बात है। लेकिन यदि ये दुनिया और ये सपना उनका नहीं है तो उन्हें अपने ही सपनों की धरा बनाने दीजिए। जो धरा वो लेना चाहते हैं उसी को ऐसा सकारात्मक रूप दीजिए कि वो आगे चलकर अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। इनको सही दिशा कैसे देनी है, ये लायंस क्वेस्ट स्किल्स फॉर एडोलेसेंस प्रोग्राम हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है। इस प्रोग्राम के दौरान हमें 9 स्किल्स दी जाती हैं, 9 कौशल्य, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी भावनाओं को जानना, उन्हें समझना और समझकर उनका प्रदर्शन सही रूप में सही मात्रा में करना। आपने जैसा कहा, दोस्तों का इम्पैक्ट, उससे हम कैसे बचें, सही दोस्तों को कैसे पहचानें, और जहां हमें ना कहने की ज़रूरत है हम वहां ना शब्द का प्रयोग कैसे करें, ऐसी परिस्थितियां भी इस प्रोग्राम के दौरान बनाई जाती हैं जिससे वो सीख सकता है कि उसे ना कब, कहां और कैसे कहना है। एक हेल्दी जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, और तो और पायल, हम उन्हें लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है और उस लक्ष्य की तरफ पहुंचना कैसे है ये भी बताते हैं। ये सारी जानकारी हम इस प्रोग्राम के दौरान उसे देते हैं, और इन विषयों में हम आगे की कुछ कड़ियों में आपसे और डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। आप लोगों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने अपने विचार व्यक्त किए, आप लोगों के विचार को एक दूसरे में बुनकर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम सब यही दिशा की तरफ जाना चाह रहे हैं जहाँ सीख सकें कि चुनौतियों का सामना हम कैसे करें। और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम है, लायंस क्वेस्ट स्किल्स फॉर एडोलेसेंस। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा कि माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहिए। तो अगले एपिसोड में हम जानना चाहेंगे हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, बताइए निधि जी। हम आपको बताएं कि आप अपने बच्चों का आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, D94 परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, वो नंबर है 0792640716। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों